सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28। ए भी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट जो लॉस है उसको शेयर करते हैं 3:2 रेशो में, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं 50,000 और 40,000 1 अप्रैल को जब स्टार्ट किया था। 1 जुलाई को क्या किया है, ए के द्वारा एडिशनल कैपिटल लगा दी गई, और एडिशनल कैपिटल किसके द्वारा, बी के द्वारा भी लगाई गई, कितनी 1,000। ए ने 10,000 और बी ने 1,000। इंटरेस्ट कितना देना है, 10% देना है। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर क्लोज 31 मार्च को। तो एक तो हम ए का निकालना है और एक किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो अगर हम ईयर की बात करें तो ये हमारा पूरा साल है, ठीक है। ये हमने देख लिया कब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ये स्टार्ट हुआ अप्रैल से, और एंड कब हुआ 31 मार्च को, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है। ए पार्टनर है वो कितने लगाता है स्टार्टिंग के अंदर, ये लगाता है 50,000, और बी कितने लगाता है यहाँ पर 40,000। जैसे ही 1 जुलाई आती है, 1 जुलाई, ठीक है ना, इसने कितने लगा दिए, ए ने लगा दिए 10,000 और बी ने लगाए हैं ओनली 1,000। तो ये यहाँ तक का पीरियड कितना बन गया, यहाँ पर ये बन गया 3 मंथ, ठीक है, और ये बाद का कितने बच गया आपके 9 मंथ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक तो ए का कैलकुलेट करना है और एक बी का कैलकुलेट करना है। अगर ए का कैलकुलेशन करोगे तो ए ने कितने लगाए थे, 50,000 लगाई थी, ठीक है ना, अलग अलग करके करेंगे हम, इतने का अलग से निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने का, और 9 महीने का अलग से निकाल लेंगे। तो 50,000 इंटू कितना लगेगा, 10%, 10/100, ठीक है, इंटू कितने महीने का लगेगा, 3/12, ठीक है, प्लस इसके बाद कितने हो जाएंगे, 10,000 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। तो अब कितना हो गया ये 60,000, ठीक है, और कितने परसेंट लगाना है, 10/100, ठीक है, और कितने मंथ के लिए लगाना है, जो 9 मंथ बचते हैं, 9/12, ठीक है। अगर हम बी की बात करें, बी ने कितने लगाए, 40,000 लगाए स्टार्टिंग में, किस रेट से, 10/100 से, ठीक है, कितने महीने के लिए, 3/12 के लिए, प्लस नेक्स्ट टाइम कितने हो गए, 40 पहले थे, 1,000 और आगे, तो कितने हो गए ये 41,000, किस रेट से, 10/100 से, ठीक है, इंटू कितना हो जाता है, 9/12। तो अब काट लेते हैं जीरो से, जीरो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काटती, ठीक है ना, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक है। तो जीरो तो हम काट चुके हैं, अब कितना बचता है, ये बचता है हमारे पास 5,000, कितना बचता है यहाँ पर 5,000, और 5,000 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15,000 हो जाएगा, और 15,000 को जब डिवाइड कितने से करोगे आप, 12 से, तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 1,250 आंसर आएगा। तो कितना आएगा आपके पास, 1,250 आंसर आएगा। अगर हम बात करें सेकंड की, तो 6,000 है, 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितने आ जाते हैं 54,000, यानी कि 54,000, डिवाइड किससे करोगे इसको, 12 से, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, आएगा 4,500। तो दोनों को ऐड कर दो, 1,250 को और 4,500 को, प्लस 1,250 को, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5,750। किसका आ जाएगा ये, ए का। बी का निकालना है तो कितना आ जाएगा, 4,000, 4 3 है 12, 12/12, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1,000। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 4,100 है, तो 4,100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किससे करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा 3,075, ठीक है, और इसके अंदर ये ऐड करोगे जब, तो कितना आ जाएगा टोटल 4,075। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या बन जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते क्योंकि क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देता कि भाई चाहे बिजनेस को लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको कोई मैटर नहीं करता, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करेंगे, तो उस केस में हम इसको काटना पड़ेगा, काटना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर को, तो दे देंगे हम, क्या दिक्कत है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है,
ए को देना है और बी को देना है। ए को कितने दोगे आप? 5750। और बी को कितने दोगे? 4075। ठीक है ना, दोनों को ऐड करो। किसको? 5750 को प्लस 4075 को। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे 4075, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 9825। ठीक है, अब ये क्या कर देना है आपने? लॉस ट्रांसफर कर देना है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं हो सकते, इसलिए हम कहाँ डाल लेंगे? पार्टनर के करंट अकाउंट में, जहां पर एक अकाउंट में डाल देंगे बी। और रेशियो क्या दी हुई है हमारे को? 3:2 दी हुई है, तो इस रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो कितने थे हमारे पास? 9825। इसको कितने से डिवाइड करोगे आप? 5 से, 3 और 2 5, डिवाइड करो इसको 5 से, तो हर हिस्से में कितना आ जाएगा? 1965 हर हिस्से में पार्ट आ जाएगा। तो इसको कितने पार्ट देने हैं? एक को तो 2 देने हैं पार्ट, एक को कितने देने हैं? 2। किसको देने हैं? ये बी को। कितने देने, कितने बनेंगे 2 पार्ट इसके? 3930। अगर अगर बात करें 1965 को, कितने देने हैं 1965 से? 3 पार्ट देने हैं ए को, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास? 5895। और यहां पर कैपिटल अकाउंट ना आके क्या आएगा? करंट अकाउंट आएगा। और ये लॉस है, तो ये क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना है? ए से ए को, बी को, और ये कौन है? ए को और बी को। कहाँ आएगा ये? ए में कितना आएगा? 5895। तो इसको काट देते हैं, 5895। ठीक है, और बी में कितना आ जाएगा? 3930। ठीक है, 3930। और अब क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आएगी। किसको देना है ये? ए को और बी को। ए को कितने मिल जाएंगे? 5750। और बी को कितने मिल जाएंगे? 4075। ठीक है, अब यहाँ देखो कौन सा अमाउंट ज्यादा है, 5895 ज्यादा है यहाँ पर, 5895। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5895। यहाँ कौन सा ज्यादा बैलेंस? ये 4075 ज्यादा है, 4075। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 4075। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी, और यहाँ क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। तो यहाँ क्या है? यहाँ तो टोटल में कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ टोटल आपस में कम है, ये कितना है? 5895। माइनस क्या करोगे इसमें से? 5750। तो हमारे पास कितना आएगा? 145। अगर हम बात करें, यहाँ तो सेम है, और किसके डिफरेंस देखना है अब हमें? ये देखना है 4075, इसमें से माइनस करो कितना? 3930। तो कितना आएगा? 145। तो ऐसे हमने डील करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।